नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पत्रकार विरोधी बयान से मीडिया में उबाल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयान, पत्रकारिता छोड़ दो नेतागिरी करो के विवादास्पद बयान से मीडिया में जबरदस्त रोष है। इस सिलसिले में दैनिक भास्कर के संवाददाता मेहदी हसन ने बागपत जीरो ग्राउंड से विभिन्न पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। वायरल हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और पत्रकार समाज जो है पत्रकार परिवार की निंदा करता है। ये कहा उन्होंने कहा कि अपने बयान में पत्रकार के प्रति पूछा गया कि आपका इसमें क्या है, पत्रकार पर प्रतिदिन अत्याचार हो रही है, इनके प्रति आप क्या क्या रुख है। तो उन्होंने कहा कि अपने बयान में क्या पत्रकारिता छोड़ दीजिए, नेतागिरी करिए। ये जो है उनका बयान निंदनीय है, और पत्रकार परिवार जो है उसकी घोर निंदा करता है। और सरकार से पत्रकार को कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी भी कोई सुरक्षा कर सके। तो आए सबसे पहले आप लोग लगवाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग सर समय नहीं, पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा सर? ज्यादा समस्या गांव शालाओं की है सर, कैसे न्याय सर? सराय नहीं, पत्रकार जो पीटे हैं कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताए एप्लीकेशन दे चुके पास नेतागिरी करते। मैं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला बागपत इकाई का राष्ट्रीय जिला महामंत्री और राष्ट्रीय जर्नलिस्ट काउंसिल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वबंधु शास्त्री हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी के आज के बयान की कड़ी भर्त्सना करता हूँ, और उनसे मांग करता हूँ कि वे अपने इस बयान को वापस लें, जो आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी ने कहा एक पत्रकार के सवाल पूछने पर कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का व्यापक स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इस बारे में सरकार क्या कर रही है। तो कितना बचकाना बयान अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम ने दिया कि आप पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करिए। वास्तव में इस बयान से ये लगता है कि शायद अपने डिप्टी सीएम को थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि यदि पत्रकार नेतागिरी करेगा तो आप लोग क्या करेंगे? पत्रकार एक पढ़ा लिखा समाज है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, देश को जगाने का काम करता है, संविधान की रक्षा करता है, और जो गलत कार्य जो देश प्रदेश में होते हैं उनको उजागर करने का काम करता है। इसके विपरीत नेता क्या करते हैं? नेता एक दूसरे को बिठाने का काम, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति करने के लिए वे दूसरों को लड़ाने से भी गुरेज नहीं करते। इसलिए इस बयान को डिप्टी सीएम वापस ले, अन्यथा पूरे देश की पत्रकार बिरादरी एक है, और यदि ये बयान वापस नहीं लिया जाता है तो मैं भारत जर्नलिस्ट काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम श्री मौर्य के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इसके लिए वे माफ़ी मांगे, अन्यथा पत्रकार पूरे देश का एकजुट है और एकजुट रहेगा। ऐसे बयान किए पूरा पत्रकार समाज और मैं कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। मैं मनोज उज्ज्वल, अखिल भारतीय पत्रकार सेवा समिति मंडल अध्यक्ष। आज जो हमारे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकारों का इंटरव्यू देते समय पत्रकारों का सही क्वेश्चन का जवाब न देने के कारण और उल्टा बोल दे, पत्रकार सब छोड़कर नेता की शुरू कर दिया, ये कौन सा तरीका था माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्रकारों के विषय में राजनीति में लाने का? इसका हम निंदा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से जो हमसे पत्रकारों से माफी मांगे, और इस तरह के वर्ड जो उन्होंने बोले उनको वापस।